ना ये हम लग का ऐड है कुंदा, और है कि बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत बेकार है इस वाली बिलोरो की। जब से लिए इसमें खर्चे ही खर्चे हैं, सेंसर हो रहा है और जहाँ तक है ना वो हो रहा है। ये भाई गैस वेल्डिंग खींच के ले जा रहे हैं, और भाई पहाड़ी। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो ये देखो क्या हो गया अपनी गाड़ी के साथ, हॉर्न टूट गया है भाई। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो क्या दिखा दो, पत्ती समेत ये हॉर्न पाड़ दी। और ये कुछ नहीं, मैं कल जयपुर गया था और रास्ते में इसका काम हो गया। ये देखो पत्ती समेत ही हॉर्न टूट चुका है, और पत्ती देखो इसकी कितनी क्वालिटी की है। ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी बोलेरो की, और जब से लिए इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो रहा भाई। कुछ ना कुछ मैं सही करवाता ही रहता हूँ इसमें, और ये अपना हॉर्न है, हालांकि ये पड़ा नहीं, शुक्र मानो वो ग्रिल क्या है उसका गैप नहीं है उसमें, और ये चौड़े सारे हैं, तो इस वजह से वो उधर ही अटक गया। और अपना एसी सेंसर और बच गया भाई, इसकी वजह से अभी सही करवा के लाया था, और इसी सेंसर के अंदर अटका पड़ा था, और सेंसर की वायरिंग बिल्कुल इसके ऊपर अलझी पड़ी थी एकदम, और वायरिंग भी फॉल्ट हो सकती थी। एक फ्यूज तोड़ ही चुका था जब ये हॉर्न टूटा था, हॉर्न का फ्यूज बिल्कुल उड़ गया था, जला दिया था फ्यूज, दोनों दो हॉर्न के फ्यूज आते हैं तो वो दोनों जल गए, और रिले तो बच गई अपनी। अब फिलहाल इसको सही करवाने जाते हैं, देखते हैं मैकेनिक क्या बोलता है, ये सही होता है नहीं होता, ये पत्ती बेल्ट होती है नहीं होती, या फिर और कहीं इसको इंस्टॉल करवाएंगे तब देखते हैं, इसको लगवाएंगे सर यार, एक हॉर्न से कोई पार नहीं पड़ रही। और ये अपना हॉर्न है, और अब इसको सही करवाएंगे। और मैं जयपुर ही गया था बस, जयपुर के बीच रास्ते में ये काम हो गया, मतलब नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो रहा। और जो मेरे कमेंट में भाई एवरेज वगैरह बता रहे थे, तो भाई मैं ये बता देता हूँ, मैं रात को गया था 10-11 बजे निकला था रात को जयपुर की तरफ से, इधर से अलवर से, और मैंने एसी नहीं चलाई बिल्कुल भी भाई, एसी नहीं चलाई तो गाड़ी एवरेज दे रही 22 की, मान सकते हो आप 70-80 की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे, 22-23 की एवरेज दे रही। और मैंने सिर्फ इसमें जो डीजल डला है वही डीजल अब चल रहा है। देखो मैं जयपुर से आ भी गया और अपने नुकसान भी करवा लाया, मतलब नॉन एसी में कुछ तो फर्क पड़ता है भाई, और एसी में थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन बोलते हैं ना एसी चलाने से वो तेल ज़्यादा खाती है, हाँ खाती है लेकिन इतना भी नहीं खाती, लेकिन चलाते ही नहीं है तो और भी नहीं खाएगी। और फिर मैं इसको लेकर आया था धूप में दूसरे दिन, तो एसी में ही लेकर आया था, उसमें मात्र कुछ परसेंट का थोड़ा वो था तेल का झोला, जो तेल खा रही थी, मतलब तेल खा ही रही थी, बढ़ा ही नहीं रही थी एवरेज, 18-17 के बीच में एवरेज दे रही थी, वो भी अपने 50 की लिमिट की स्पीड पे। और जैसे ही मैं 60-70 की बढ़ा लेता हूँ तो डिस्टेंस घटा रही है, प्लस अपना डीजल खा रही है। तो ये थी कुछ एवरेज की बातें, और दूसरी सर्विस इसकी हो चुकी है कम्प्लीट, आपने वीडियो देख ली होगी, अभी हाल फिलहाल ही डाली थी मैंने। और अब फिलहाल इसको लेके चलते हैं, सही करवा लेते हैं, देखते हैं मैकेनिक क्या बोलता है। फिलहाल तो एवरेज का सीन तो कुछ ऐसा है, और इसको ठीक करवा लेते हैं क्योंकि नुकसान तो हो ही गया है, पत्ती टूट गई है भाई गाड़ी के जड़ में से ही, हॉर्न तो कुछ नहीं, हॉर्न नहीं टूटा, हॉर्न की पत्ती नहीं टूटी, गाड़ी की पत्ती टूट गई जिसमें हॉर्न फिट होता है। और बल्कि कंपनी ने दो दो पत्ती दे चुके हैं इसमें, दो दो हॉर्न के लिए, और ये पत्ती ऐसी है कि भाई हॉर्न का वजन नहीं झेल पाई, और हॉर्न का वजन नहीं झेल पाई और वो टूट गई। पहले से उसमें आ रहा था क्रैक, मैंने बताया था वीडियो में आपको कि ये पत्ती जाएगी धचके में या रोड पे, कभी भी ये जा सकती है, और कल मेरे साथ ये कांड हो ही चुका था, और अब इसको ठीक करवा रहे हैं। फिलहाल तो गाड़ी का सीन कुछ ऐसा ही है भाई, अभी फिलहाल एक हॉर्न पे चल रही है, ये देखो कुछ मजा नहीं आ रहा। फिलहाल इसको चलते हैं लेके, अब मैकेनिक के पास ही मिलेंगे आपको, वो देखते हैं क्या सीन करता है, देखते हैं सही करता है नहीं करता। मैकेनिक के पास आ गए, यूट्यूब कम बड़ा, अब ये हॉर्न का दिमाग लगाएं क्योंकि पत्ती पूरी टूट गई है, ये बहुत बातें को कैसे देख रहा है, सीरियस बैठे हैं। ये देखो भाई दिखा सकता हूँ मैं पत्ती, अपना सेंसर बिल्कुल बच चुका था भाई, नहीं ये सेंसर भी जाता, ये देखो पत्ती ऊपर से उड़ गई, देख सकते हो आप,
इधर से बिल्कुल उड़ गई है भाई। अब देखते हैं इसमें तो लगेगी नहीं क्योंकि ये बेल्ट भी नहीं हो सकती। अब देखें कहाँ जुगाड़ लगाएंगे ये मैकेनिक साहब और करवाते अपने हॉर्न को सही। ये देखो भाई कम से कम 1.5 किलो का तो वजन है इसमें, है ना भाई, 1.5 किलो का तो एक ही हॉर्न है। ये पत्ती पता नहीं, ये वाली सॉलिड है भाई, वो कच्ची लग रही है मेरे को इस वजह से। ओए वही तो हाथ में ले है ना, देख तो हाथ में लेके देखिए अर्जित, बताइए तुम बेर हो है ना, 1.5 किलो को तो है दे हाथ एन दे बाबा ने। कितने में ले भाई, मेरा अंदाजा देखो भाई, मैं गणित पढ़ो रहा हूँ। अरे जीरो हम भाई अभी पैसा कहाँ है, ये गाड़ी कमाएगी अपनी। और भाई अब देखते हैं ग्रिल कैसे खुलेगी इसकी। ग्रिल भाई बहुत सांग है अपनी पुरानी जो बोले रहे 2016 मॉडल, उसका तो बाहर ही सारा सिस्टम था, बाहर आ जाती थी। इसके नक्के वक्के टूट जाने का डर है। और ये देखो ये रगड़ का लग गया एक छोटा सा, गाड़ी में आ गई स्क्रेच। नक का हेड कुंदा और है कि बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत बेकार है इस वाली बोलेरो की। जब से लिए इसमें खर्चे ही खर्चे हैं, सेंसर हो रहा है और जहां तक है ना वो हॉर्न पड़ा था ना तो सेंसर बच गया नहीं, ये सेंसर का भी मेरे को 1800 रुपये दोबारा देने पड़ते। और कंपनी वाले अब तो उसमें क्या बोलते हैं जीरो डेप्ट है, मतलब क्या बोलते हैं उसमें, अरे वो गाड़ी को कह रहे हैं वारंटी पीरियड में डाल दिया था भाई, अब की बार नहीं डालेंगे, अब की बार खराब हो गया था। और हाँ कंपनी का एक सीन और बताता हूँ मैं, उनका मतलब सही नहीं करने का मन नहीं रहता ना तो वो क्या बहाने लगाते हैं गाड़ी के लिए, आपको पर इंजाम लगा देते हैं कि आपकी वजह से ये सब चीज़ें खराब होती है। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कंपनी ने मुझे क्या क्या बोला था ये चीज़ डलवाने के लिए, हालांकि ये अंडर वारंटी में, लेकिन फिर भी वो पैसा कमाने के चक्कर में आपकी गाड़ी पे ही आपके ऊपर इंजाम लगा सकते हैं कि आपने ऐसा किया है और ऐसे इस गाड़ी में हुआ है। एक बार हॉर्न पे करा था, अब की बार भाई दूसरी चीज पे कर दिया, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में ही बताऊंगा। फिलहाल अभी हॉर्न लगवा लेते हैं और ये वीडियो को यही एंड करते हैं। हाँ इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, बस ये हॉर्न का ही हुआ है, बच गया रेगुलेटर। भाई ये हॉर्न बहुत 1.5 किलो का है तो पता नहीं जाली वाली में फंस जाता पंखा भाई पीछे ही इसके, उसमें चल जाता या फिर कुछ भी नुकसान हो सकता था, टायरों में आ जाता इस वजह से। के ये कंपनी की है सारी सिस्टम, ये बिल्ड क्वालिटी देखो कितनी कच्ची बिल्ड क्वालिटी है भाई लोहे की। ये भाई ये गैप आ गया ABS बम्पर में, ये ज्यादा फिट एंड फिनिश नहीं है भाई गाड़ी में कुछ भी। हालांकि बोनेट भी कईयों का बिल्कुल ढका रहता है, ये हमारा अदर है, ये देखो कितना गैप है, एक उंगली दो उंगली चल जाती है। अभी फिलहाल इसको सही करवा लेते, देखते जो बात भाई सीन कुछ ऐसा हो गया है, ये ग्रिल है ना पूरी खुल नहीं रही, ये नक्के टूटने के डर है ये नीचे वाले। अगर ये पत्ती सही होती अपनी तो इधर ही कस को सा देते हॉर्न को और कोई दिक्कत नहीं रहती। वायरिंग भाई मैंने संभाल के रख ली, वायरिंग पड़ जाती इसकी, वायरिंग हो रही है अंदर कर रख दी मैंने, दोनों हॉर्नों की जो ज्वाइंट होते हैं नहीं वो पड़ जाती और मैंने निकलवा दिए। या भी मैं जयपुर से एक मैकेनिक ने कोई रोकी रास्ता में, मैंने भैया हॉर्न निकाल दे नहीं तो मेरा नुकसान हो जाए वो और ज्यादा, या पड़ो डॉलर नू से नू ले और ये सेंसर हो रही इसी गाड़ी या ए में बैठ जाता और या में कुछ आग स्पार्क हो जाती पूरी गाड़ी में आग लग जाती। तो वायरिंग भेड़ा बाजू लगी ये चटपटाट यार, वायरिंग हॉर्न की रखी है अंदर, दो ही कपलर है वे जो इन्हें दोनों ज्वाइंट करे हुए अंदर रखा है, बस मैं पाड़ के रख दिया, पड़ जाती हुई मैं पड़ी रहती, छोटी छोटी है यही हो जाएगी साइड। अब देखते हैं देसी जुगाड़ कर रहे हैं ये देसी मैकेनिक, देखो अरजीत नाम है इसका, और खराब गाड़ी को भी सही कर देते हैं एकदम, जो चलती भी नहीं है ना उसको भी रिपेयर करके ऐसे भगा दे 100 की स्पीड पर। बस इनके पास पार्ट अनेबल हो भाई ये गाड़ी कोई को भी नहीं छोड़ते, चाहे इसके पास ट्रक खड़ा कर दो, सही बात है पार्ट अनेबल हो
पार्ट सारे मिल जाए उसके रिलेटिव, गाड़ी को टकाटक कर देंगे दो दिन में फिर। और ये पड़ गया सिलेंडर, ये देखो भाई, ये भाई गैस वेल्डिंग खींच के ले जा रहे हैं। और भाई पहाड़ी थी वह तो देखते हैं। तो चलो गाइस ऑर्डर हो गया सेट, ये देखो किस तरीके से सेट किया है। इधर ऊपर इस बोल्ट में से कर दिया इसको पत्ती लगा के, और अपना वो पत्ती को फ्री कर दिया क्योंकि उसमें कामयाब नहीं था ये ऑर्डर। और सब कुछ तार वार सेट कर दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बजा के दिखाएंगे, बजा, सुन रहे हो गाइस आवाज, ये है लाउड आवाज इसकी। और फिलहाल सेट हो गए अपना सारा काम, हॉर्न वगैरह सब कुछ सेट कर दिए हैं। अब गाड़ी हो गई है फ्री एकदम, अब ग्रिल जोड़ देंगे। ये नक्शे वक्के हैं ये भाई, ये बहुत नाजुक है, इशारों से जुड़ता है ये नक्शे, वो गैप आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब कर देंगे इसको सही। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब गाड़ी अपनी सही हो गई है, बाकी इसमें आएगा ही नुकसान। तो इसके बाद अब गाड़ी हो गई सही कंप्लीट, हॉर्न वोरन लग गए अपने, तार वार जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो वीडियो में इतना ही, अब ये ग्रिल जुड़ेगी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं क्या है, लेकिन सही कर देंगे मैकेनिक। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और हाँ कंपनी ने जो मुझे क्लेम किया था भाई गाड़ी के लिए कि आज के बाद कोई चीज़ खराब हुई तो आप जिम्मेदार रहोगे, वो चीज़ मैं बताऊंगा, ये अपनी गाड़ी में कभी मत कराना। कंपनी को बस इतना सा भी ऑप्शन मत देना कि आपके ऊपर बात आ जाए गाड़ी के रिलेटिव, हालांकि आपने वो चीज़ खराब ही नहीं की हो, आपकी वजह से भी नहीं हो, लेकिन कंपनी बोलने में टाइम नहीं लगाती, आपके ऊपर इंजाम लगा देती है। वो तो मैं उनके लड़ाई झगड़ा कर कुरा के बात बना के थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके गाड़ी को अंडर वारंटी में इसकी चीज़ सही करवाई। सेंसर जो थे इसके चारों वो भी अंडर वारंटी में कराए, और ये से इसी सेंसर ये भी अंडर वारंटी में कराए, नहीं इनके सबन के पैसे लगा दिए थे उन्होंने। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, और जो कुछ हुआ है तो मैं उसको सुधार सकता हूँ। क्योंकि ठीक है अब तो छोड़ रहे हैं, अगली बार गाड़ी आएगी तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्लेम पैसे चार्ज करेंगे। तो वो चीज़ मैं बताऊँगा अगली वीडियो में। अब की वीडियो में इतना ही, ये अपना हॉर्न ठीक करवाना था कर दिया। तो आज का भी लोग यही एंड करते हैं, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तो फिर टाटा बाय बाय, देखो कैसे बजा है, होगी सही, होगी सही, होगी सही, अरे होगी सही।